आज का वीडियो जो है वो होने वाला है बेसिकली कि सोशल मीडिया हमारा दिमाग कैसे ख़राब कर रही है, और ये लिटरली वही साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताऊंगा मैं जो सदियों से लोग बताते आ रहे हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना असर कर रही है वो तुम देखोगे। हाय, आई एम मोइन, और आज बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ पर बात होने वाली है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखा था और आज मैं अभी तक उससे शॉक्ड हूँ और आश्चर्य में हूँ और सोच रहा हूँ ये हम कहाँ जा रहे हैं। पहले तुम ये वीडियो देखो। They're irrelevant. None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. Mom has more followers than my sister. Mother, what difference do you make? What do you care if she has followers or not? It's your mother. What, famous. Like, that's what happens when you get famous. You cut people off. Seriously? And everyone's upset with it. Maybe because you guys aren't relevant either, so you don't understand. अब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जिन्हें समझ में आ गया होगा, वैसे नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसने जवाब दिया कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स में से अपनी माँ से भी बहन से भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पास उतने फॉलोवर्स नहीं हैं जितने फॉलोवर्स मेरे पास हैं। जहाँ पे मैं हूँ ना, मेरे मतलब दिमाग से, वहाँ पे उस स्टेज पे वो नहीं है, तो वो मेरे को नहीं समझ पाएंगे। और इसको जस्टिफाई करते हुए कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम फेमस होते हैं ना, धीरे धीरे जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो हमें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और इसलिए मैंने अपनी माँ बहन बाप सबसे बात करनी बंद कर दी है। लोगों को ये सुन के हंसी आ रही थी वहाँ पे ऑडियंस में, लोग इसे बू बू कर रहे थे, मतलब इसे कह रहे थे भाई क्या है तू, लोगों को इस पे गुस्सा आ रहा था, लोगों को इस पे हंसी आ रही थी। मेरे को लिटरली मन से इसके लिए दया आ रही है और मैं आश्चर्य में हूँ। इसे थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोशल मीडिया हमारा बाकी नुकसान तो कर ही रही थी कि हमारे मतलब है ना, हमारी सेहत ख़राब कर रही थी, हमें ना प्रोडक्टिव काम करने से रोक रही थी, हमारे गोल्स तक रोकने से पहुँच रही थी, पर सोशल मीडिया कि फेकनेस यहाँ तक पहुँच चुकी है कि तुमने मतलब कुछ लोगों ने तुमको फॉलो कर लिया है और तुम थोड़े से हो गए हो फेमस, तो तुम्हें वो लोग ज़्यादा है पसंद जो मतलब अनजान है, और जो तुम्हारे हैं अपने जिनके द्वारा तुम आए हो इस दुनिया में, वो तुम्हें नहीं है पसंद। यहाँ पे देख रहे हो, हम यहाँ पे साइकोलॉजिकली बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने कैसे इसके दिमाग पे इतना मतलब असर कर दिया है, इतना हावी हो गया है कि ये अब रियल लाइफ और एक वर्चुअल लाइफ में फ़र्क पैदा नहीं कर पा रहा है। इसको ये नहीं आ रहा है समझ में कि इसने खुद को वैलिडेशन, खुद को इम्पोर्टेंस कुछ लोगों से दी है, जो लोग क्या है, कौन है, कैसे है, कुछ नहीं पता इसे। सोशल मीडिया बस किसी ने इसके मतलब फॉलो का मतलब बटन दबा दिया और ये समझ रहा है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा हो गया हूँ फेमस। कल को उन सब ने इसको अनफॉलो कर दिया तो फिर क्या ये नहीं रहेगा फेमस इंपॉर्टेंट? इसके लिए तो ये नहीं रहेगा फेमस इंपॉर्टेंट, उसके बाद में कल कोई अपनी जान ना ले ले जिस हिसाब से इसकी मानसिक स्थिति अभी है। यही होता है जब तुम खुद को इम्पोर्टेंस, खुद को वैलिडेशन अपने रंग से देते हो, अपने शरीर से देते हो। कितने लोग करते हैं जिंदगी में पसंद तुमको, मतलब कितने लोगों ने किया है फॉलो तुमको, कितने लोगों ने किया है सब्सक्राइब। जब तुम इन चीज़ों से खुद को देते हो ना इम्पोर्टेंस, तब यही होता है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम्हें दूसरे दे सकते हैं, पर इंपॉर्टेंस खुद को तुम खुद ही देते हो। तो यहाँ पे फेकनेस की दुनिया में जीते हुए इंसान यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मेरी तो बस ये एक ही है उम्मीद है, एक ही होप है कि ये जो है लड़का, इसको जल्द से जल्द इसको हेल्प मिले, इसको थेरेपी की जरूरत है, इसको साइकोलॉजिकल मतलब थेरेपी होती है, इसको काउंसलर के पास मतलब लेके जाइए या फिर खुद जाइए और बात करें। कुछ ऐसा है भरा हुआ है, कुछ चीजें जो फेक है उनको तो इसने रियल मान लिया है, और जो चीजें मतलब रियल है उनसे वो दूर होता जा रहा है। मतलब अपने माँ बाप से भी मतलब रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब है कि उनके पास फॉलोवर नहीं है, जिसके पास नहीं होंगे फॉलोवर्स वो इसके मतलब बराबर के नहीं है और उनसे वो बात नहीं करेगा, कि अब ये सोशल मीडिया को ही अपनी जिंदगी समझ चुका है। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोवर्स के लिए मीम्स देखते रहेंगे पूरे भर और कुछ भी करते रहेंगे, और उन लोगों को अपना मान लेते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, और जो असली रिश्ते हैं, जो असली दुनिया, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। ये जो फ़ोन था ये हमारे लिए एक वरदान बनना चाहिए था, हमारी टेक्नोलॉजी थी, इतनी अच्छी चीज़ को इतना बुरा मना लिया है आज, इतना मतलब भसड़ अपने दिमाग में इसको लेके मचा लिया है कि क्या बोलूँ मैं। मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है, तुम देखो इस वीडियो को और समझो भाई सोशल मीडिया असली ज़िंदगी नहीं है, और तुम भी इस लेवल पे जा सकते हो। तुम ऐसे सोच रही हो यार, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार ये कहाँ तक चला गया बंदा, ये तो पागल है वैसे। नहीं, मेंटल हेल्थ मजाक नहीं है। जब तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, जब
तुम अपने दिमाग में कुछ चीजें और होती है और तुम कुछ और मानने लग जाते हो ना, तब यही होता है। जब तुम फेकनेस को अपनी रियलिटी मान लेते हो, रियलिटी को फेकनेस मान लेते हो ना, तब यही होता है। अभी इसलिए कह रहा हूँ, जितना कम होश के उतना कम सोशल मीडिया चलाओ, अपने हाथ में रखो कंट्रोल, उसको तुम्हें मत यूज करने दो, तुम उसको यूज करो, ये हमेशा दिमाग में रखना। इसमें मुझे बोले कितने सब्सक्राइबर्स मिल जाए, कितने लाइक्स, कितने फॉलोवर्स मिल जाए, कितने दोस्त मेरे यहाँ पे दोस्त बन जाए, बट ये फेक चीज़ें हैं, ये सच में रियल चीज़ें नहीं हैं। इनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर YouTube से भी तुम्हारी कमाई आ रही है ना, तो उस पर आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। बट इतने भी पागल मत हो जाना कि जो असली ज़िंदगी है उससे तुम बाहर निकल जाओ। यहाँ पे तुम अगर शहंशाह भी बन जाते हो, पर असली ज़िंदगी में तुम्हें मतलब है यही नहीं पता कि जीना कैसे है, तो तुमने क्या कर लिया अपने साथ? क्योंकि सबसे पहले तुम इंसान थे ना, उसके बाद में तुम्हें ये होना चाहिए पता तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करनी है। ये समझ डेवलप करो, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। चेतना जगाओ कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। इससे पहले ही अगर तुमने किसी और चीज़ को अपनी दुनिया मान ली और जो असली दुनिया उससे दूर हो गए, दिमाग में एक बसड़ मत जाएगी। तो अगले वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो भाई, और अपना ध्यान रखो भाई, रियलिटी में जियो।